है फ्रेंड्स? देखें, ये सिलोसिया की सैपलिंग है, मैंने सीड से ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप भी विंटर की सीडलिंग करना चाहते हैं और आपके पास सीड्स हैं, तो अभी ये अक्टूबर हाफ मंथ हो चुका है, चला गया है, तो हर हाल में आप सीडलिंग कर दें। वेजिटेबल्स हैं या फिर विंटर फ्लावर्स के हैं, जो भी सीड्स आपके पास हैं तो उनको ग्रो कर दें। सितंबर में ही हम लास्ट तक करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, अभी तक बारिश हुई नहीं है। तो देखें, ये मेरी सैपलिंग रेडी है। ये दो कलर के हैं फ्रेंड्स, एक येलो कलर है और एक पिंक कलर है। देखें, तो इसकी जो है पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी, एक येलो येलो और एक रेड पत्तियाँ कह रही, सॉरी, इसकी जो स्टेम्प है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, है ना, दो कलर में, एक रेड रेड दिख रही और एक थोड़ी सी जो है ग्रीन और जैसी येलो येलो सी दिख रही है ना, तो रेड ज़्यादा दिख रही है, येलो वाली कम है। तो ये दो कलर के मेरे पास रखे हुए थे सीड, पिछले साल के थे, तो मैंने दोनों के एक एक फूल तोड़ के रख लिए थे। ये जिसे कॉक्सकॉम कहते हैं ना, वही है ये, लेकिन ये मिनिएचर छोटा वाला होता है, और कॉक्सकॉम जो होता है वो बड़ा होता है, वो थोड़ा सा जंगली देसी टाइप का होता है। ये लेकिन ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में, छोटे छोटे से पौधे और उसमें छोटे छोटे से फूल लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी है सीड्स किसी भी चीज़ के हों, तो आप उनको कोशिश करिए ग्रो करने की। और अच्छा सीजन चल रहा है, अभी रातें ठंडी होने लगी, दिन में तो गर्मी है, तो आप ऐसा करें कि दिन में जो है थोड़ा सा सेमी शेड में रखें इसे, जहाँ पे हल्की फुल्की छन के धूप आती हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट धूप ना पड़े। अभी ये मैंने जहाँ रखा था, तो ये मेरा विंडो के पास रखा हुआ था। देखिए, आप देखेंगे वन साइड को ये सब झुके हुए हैं, ऐसे रखा हुआ था, तो धूप इस साइड आ रही है इसकी, तो ये धूप, हमारे पौधे की खासियत होती है कि धूप की साइड ही जाता है, तो ये सारे इस तरीके से जो उस साइड को जा रहे हैं, क्योंकि विंडो से धूप आ रही थी इधर। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज मुझे आपके साथ में ये शेयर करना था। फ्रेंड्स, ये 5 से 6 दिन में ग्रो हो जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो और 10-15 दिन में जब ये सैपलिंग थोड़ी बड़ी हो जाए, तब आप इनको जहाँ जहाँ अलग अलग गमलों में लगाना चाहते हैं लगा दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।